तो जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज डिस्ट्रिक्ट सांबा से जम्मू की ओर चली और कंजवानी चौक से होते हुए वो इस रैली स्थान पर पहुंची, ये आपको बता दूं कि व्यस्त रोड है, यहीं पर ही स्टेज बनाकर राहुल गांधी ने जो है जनता को संबोधित किया और जम्मू शहर के तमाम लोग यहां पहुंचे थे, इवन कि बाकी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आए थे, लेकिन राहुल गांधी को सुनने के लिए और उनकी जो उन्होंने विषय उठाए, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर के और ख़ासतौर पर जम्मू के मुद्दों को लेकर लोगों ने उनसे खुल के बात की। इस पर राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कई सारी अहम बातें बोली और ख़ासतौर पर इसमें पीएम पैकेज जो कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको लेकर भी उन्होंने एलजी के ऊपर कटाक्ष किया। सुन लीजिए एलजी को लेकर उन्होंने राहुल गांधी ने क्या कहा। मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी, मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। ये देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए।